इंदौर में एक दिन पहले बाणगंगा थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड में युवक की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर ली है। वहीं दूसरी ओर तफ्तीश में जुटी पुलिस को मौके से मृतक युवक का मोबाइल मिला था, जिससे पता चला है कि युवक शेयर मार्केट और सट्टे के कारोबार से जुड़ा था और पुलिस इस बात पर जांच कर रही है कि कहीं हत्या के पीछे की वजह सट्टा या शेयर कारोबार तो नहीं है। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि पुलिस हत्यारों के करीब है और उनकी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल बाणगंगा थाना क्षेत्र में एमआर 4 रोड के पास में एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जिसको चाकू से वार थे इसके। इसके बाद पुलिस ने पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है, पास में ही एक कॉलेज है मैनेजमेंट का, वहाँ पे एक फैक्ट्री है वहाँ पे, और वहाँ से लेकर के करीब 47 वीडियो कैमरे सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने तलाश किए थे कल रात तक, और अभी फिर से उसमें चल रहा है। इसमें पूरा रूट उसका ट्रैक हो गया है, आरोपी की पहचान उसमें कर ली गई है और पुलिस उसमें जो है प्रयास कर रही है। और चूंकि उसमें मौके से जो है जो मृतक है उनका मोबाइल भी मिला था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पुलिस के पास में हैं और पुलिस कई एंगल पे इस पर काम कर रही है। फुटेज में सर जो नज़र आ रहा है संभवतः वही है। हाँ, क्योंकि वही इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं इसमें रिवील कर सकते, क्योंकि उससे अपराधियों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पुलिस